हेलो नमस्कार, मैं नमस्कार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की मेरिट सूची को लेकर। इसमें अभी 10 अंक नहीं जोड़े गए हैं, 10 अंक और जुड़ने वाले हैं और नए पद और अपडेट किए जाने हैं। DPI से बात की गई तो उसमें बोला गया कि नए पद और अपडेट किए जाने और स्कोर कार्ड में 10 अंक जुड़ेंगे। अभी जुड़ना बाकी है, अभी जुड़े नहीं जुड़ेंगे फिर से मेरिट सूची जारी की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, वो पुराने अतिथि शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा। प्रतिवर्ष के 10 अंक जोड़ने की बात की गई। DPI ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अंक जोड़े जाएंगे और दोबारा से मेरिट सूची जारी की जाएगी और जहाँ जहाँ पद अपडेट नहीं हुआ वहाँ पर पद अपडेट का कार्य भी चल रहा है, अपडेट भी किए जाएंगे और नई और नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष का, DPI में बात की गई है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अपडेट पाने के लिए परिदृश्य हम सबके सामने है। एक तरफ अतिथि शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची जारी की है, उसमें भी अभी 10 अंक जोड़कर सूची जारी नहीं हुई है। दूसरा, अतिथि शिक्षकों के अलावा सीधी भर्ती के आदेश भी जारी हुए हैं। वर्ग एक की ज्वाइनिंग संभवतः सरकार देने की तैयारी में है और ऐसा भी हो सकता है कि सूचियों को जारी करके 2-4 दिन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करें और 8-15 दिन के अंदर उस प्रक्रिया को फिर से कोर्ट के माध्यम से सरकार उसको पेंडिंग डाल दे। अभी तक यही होता आया है। आज की स्थिति में, आज के समय में सरकार उनको ज्वाइनिंग दे संभव नहीं है और दे भी सकती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है सरकार उनकी प्रक्रिया को भी कोर्ट के माध्यम से फिर से अटकाएगी, कोई ना कोई कारण बताकर उसको फिर से पेंडिंग डालेगी। अभी बातचीत जो हमारी अधिकारियों के साथ हुई, जिन बातों पर सहमति बनी थी, खासकर अनुभवी अतिथि शिक्षक कैसे सिस्टम में आएंगे उनके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी लोक शिक्षण संचालनालय, वल्लभ भवन और आदिम जाति कल्याण विभाग जाकर हमने अधिकारियों से चर्चा की है। जहाँ तक मेरा मानना है, हो सकता है सोमवार या मंगलवार में अभी जो सूची जारी हुई है वो अपडेट हो, उसमें जो विसंगतियाँ हैं वो सुधरें और जिनके नाम आए हैं लगभग उनके नाम, यदि 10 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से स्कोर कार्ड अपडेट होगा तब भी उनका नंबर आ जाएगा, लेकिन यदि 10 अंक जुड़ते हैं तो जो पुराना वर्ग है उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, उनकी जो बरसों की मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। क्योंकि अभी तक जब भी हमने कहा कि 10 अंक जुड़ेंगे, किसी न किसी ने आपत्ति लगाकर उसको ठंडे बस्ते में डलवाने का प्रयास किया है। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये असमंजस की स्थिति है, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास आज भी वही है कि 10 अंक प्रतिवर्ष जोड़कर स्कोर कार्ड अपडेट हो, अतिथि शिक्षकों की मेरिट सूची तैयार हो। बहुत सारे साथी छोटी छोटी समस्याओं के लिए परेशान हैं, रोज सैकड़ों लोग लोक शिक्षण संचालनालय के चक्कर लगाते हैं। आप लोग बेवजह परेशान ना हों और प्रयास करें, यदि आप वहाँ जाते भी हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, यानी जिन कागज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है
यदि पद खुलवाने जा रहे हैं तो आपके संबंधित प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल, उनसे आप लिखवा कर ले जाएं। या कोई तकनीकी समस्या है तो उसके लिए भी पहले आप जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी और उनको पत्र दें, लेटर लगाएं उनके, उसकी कॉपियों को अटैच करके ले जाएं। आपका आईडी यानी मोबाइल नंबर, आपका जो पासवर्ड है, आपका डाइस कोड है, वर्ग है, विषय है, आपके आवेदनों में इन सारी चीज़ों का जिक्र करें। अभी तक ये देखने में आता है कि बहुत सारे लोग आवेदन दे के जाते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता, उन्हीं लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता जिनकी जानकारी अधूरी होती है। कुछ लोग आवेदन देते हैं, उसमें ज़िले का नाम नहीं लिखते, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखते, लिखते भी हैं तो डाइस कोड नहीं लिखते, आपका वर्ग विषय नहीं लिखते, आईडी पासवर्ड नहीं लिखते। भाई ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके कोई तकनीकी समस्या है उसका समाधान करेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज फिर आप सबसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे साथी मैं देखता रहता हूँ अभी लिख रहे थे कि हम तो बर्बाद हो गए, 25 अंक हटवा दिए तो हम बर्बाद हो गए। भाई हमने किसी की ज़मीन जायदाद नहीं हड़पी, 25 अंक भी विसंगतिपूर्ण थे, 20 अंक अभी जो जुड़े हैं वो भी विसंगतिपूर्ण हैं। कुछ सुधार जरूर हुआ है क्योंकि 25 अंक सिर्फ एक वर्ष के थे, जो 20 अंक हैं वो प्रतिवर्ष के हैं, सुधार है उसमें। और भी आज भी जहाँ सुधार की आवश्यकता है वहाँ हम पूरे अतिथि शिक्षक भर्ती व्यवस्था को सुधरवाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन साथियों का चयन वर्ग एक में हुआ है, मैं संगठन की ओर से ऐसे सभी भाई बहनों को हृदय से बधाई देता हूँ। आप सभी जहाँ भी हमारे अतिथि शिक्षक साथी कार्यरत हों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उनकी भविष्य में जैसे भी संभव हो उनकी मदद करें। हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, एक बार में सभी का भला नहीं हो सकता, चरणबद्ध तरीके से ही सभी का भला होगा। और अभी भी जो सूची जारी हुई है उसमें मोस्टली जो है वो पुराना वर्ग ही है, सिर्फ अंतर ये है कि जो पात्रता पास जो वर्ग है उनका नंबर अभी आया है। अभी लगभग 20,000 पदों पर काउंसलिंग और होना है। जो साथी अतिशेष के कारण बाहर हो गए, काउंसलिंग नहीं कर पाए या काउंसलिंग की है तो उनके में लिखा आ रहा है कि आप दूसरी जगह ऑलरेडी ज्वाइन हो, आप लोगों की समस्याओं का भी समाधान होगा। लगभग मैं समझता हूँ कि 25 तारीख के आसपास ये सारी समस्याएँ सुलझ जाएंगी और 25 से 30 तारीख के बीच में सभी को स्कूल अलॉटमेंट हो जाएंगे, सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आप सभी धैर्य बनाए रखें, हम लगातार आपके हित में प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे। धन्यवाद।